सो एवरीवन ये देखिए आगे का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो एवरीवन आज है डे 10, आज पापा का विसर्जन है। सो अभी हम स्यूनी माला लेने जा रहे हैं, तो अभी हम लेट हो रहे हैं, तो अभी निकलते हैं। और ये रहा मेरा मास्क, तो आपको रास्ते में मिलूंगा या फिर घर आके मिलूंगा या फिर वहाँ भी मिल सकता हूँ, तो चलते पहले। रिसेंटली इट में जो पड़ा था मैं उसको पूरा करना भूल गया, तो ये मेरी तरफ से आज पापा का विसर्जन है, तो ये दिल की आरती आपके लिए। और एक बार आपको दिखा देता हूँ पापा को। सो एवरीवन अभी बजे 4:30, और मैंने बोला था कि मैं 4-5 दिन जो कपड़े पहनूंगा वो जो आदियों से बुलाए थे वो थे, उसमें जो एक टी शर्ट थी वो बच गई थी, तो वो एक टी शर्ट मैं आज पहनने वाला हूँ विसर्जन के लिए। मैंने सोच के रखा था मेरी फेवरेट थी, वो टी शर्ट पहन के आपको मिलता हूँ, फिर शायद मैं पूजा करने वाला हूँ, तो पहले वो टी शर्ट पहन लेता हूँ। सब्जेक्ट, मैंने मेरा टी शर्ट बदल लिया है, ये रहा, और अब पूजा करते हैं। बस जस्ट तुरंत करना है, उधर भी जाना है, उधर भी पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवरीवन अभी शाम के 6 बज चुके और इधर हम गए थे उधर गणेश जी बैठे, तभी मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि वो सब लोग उधर गणेश जी लेने गए हैं, उधर आगे साइड आनी, मतलब उसमें इनसे जा रहे हैं, दो घर के जा रहे हैं, एक और दो जगह, एक तो हमारी के और एक और जिसका ट्रैक्टर है उनके भी ले आ रहा है, तो वो दो गणेश जी, तो वो उनको लेने गए, फिर ये रखेंगे उधर का। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि वो भी उधर ही गए, मैं तब तक घर से आ जाता हूँ पानी पी के, और थोड़ी देर घर ही रह जाता हूँ, यहाँ क्या करूँगा। और इसी बहाने आपको से थोड़ी बात कर लूँगा, मतलब थोड़ा ब्लॉग बन जाएगा ये देखो, फिर पता नहीं ब्लॉग बने ना बने, जब गणेश जी को ले जाएंगे उसके बाद। मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को वो पता रोड पे इतना अजीब सा लग रहा था, और अब घर स्टार्ट होने वाली, हाँ लगेगा, अभी तो ये खला वग रहे लोग उनके, फिर लगने वाला है मेरे को अजीब सा, इसलिए मैं उस रोड से नहीं इस रोड से आया हूँ। मैडम मैं शांति से चलता हूँ, ऐसे कुछ बोलना होगा बोल दूंगा, ऊपर मॉल करूंगा, कोई लोग देख लेंगे कि मैं शूट कर रहा हूँ, किसको समझ आएगा मैं मॉल में वीडियो बना रही हूँ। ये हमारा खला, देखो आपको मेरी क्यूटी पाई को दिखाता हूँ, ये रही मेरी क्यूटी पाई बच्चू, देखो उसने सुन ली, सब मिल गई मेरी क्यूटी पाई से, सब मैं घर जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाऊँ, पानी पीता हूँ, जब मैं वहाँ से ट्रैक्टर निकलेगा मैं समझ जाऊँगा, तो भाई उसी टाइम घर चल जाऊँ, मैं जाता हूँ। बस घर आ ही गया, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट हाँ जितना आपको दिखाया उसका डबल है, क्योंकि मैंने आधा ब्लॉगिंग बीच में शूट नहीं किया था, बाजू से लोग जा रहे थे, मैं पहले पानी पी लेता आ चुका हूँ घर। सो एवरीवन मैं पानी पी के निकल चुका हूँ, और मैं थोड़ी देर का निकला हूँ, मतलब कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं जाते टाइम ऐसे करके ले जा रहा था, उधर डीजे चालू होने में मेरी दीदी को मैंने फ़ोन लगा दिया था कि वहाँ काम चालू हो जाए, बोल देना हो चुके हैं, सो चलो। और वैसे भी उधर से गाय भैंस जा रही है, मेरे को डर लगता है कोई मार ना दे, भैंस वगैरह बहुत सारे हैं, सो मैं फटाफट जाता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे वीडियो ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे को मेड रोड पे डर लगता है, बट डर भी ऐसा लगता है कि कोई अनजान लोग देखेंगे तो कैसा लगेंगे, जान पहचान वाले लोग देखते हैं ना उनका डर नहीं लगता, वो सॉरी उनका डर लगता है,
जान के मन से होती है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, और अनजान लोग जानती नहीं है। हम इधर देख रहे थे कि इधर कौन खड़ा था, आई डोंट नो। सो चलो भैया मैं ऑफ कर देता हूँ, वैसे ही बड़ा नहीं करना कुछ ज़्यादा कि फिर स्पीड करना पड़े, मेरे हिसाब से मुझे करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट जाता हूँ। सो एवरीवन ये सीन रात का, मतलब वहाँ थोड़ी देर डीजे चले, फिर वहाँ से हम निकल गए थे, और यहाँ पर एक ट्राली वगैरह आती है तो उसको पीछे से रेपोरेट किया था, और वहाँ पर पप्पा थे, दो पप्पा थे, तो एक हमारे पप्पा को मैं पकड़ के बैठा हुआ, तो पकड़ के बैठा हुआ, तो मतलब कि ट्राली हिल ना जाए, ट्राली हिल जाएगी तो पप्पा का इधर उधर होना जाए, तो इनको अच्छे से पकड़ के बैठा था। और यही मैंने वीडियो शूट कर रहा था कि वहाँ तो बोल सकता नहीं था, इतना सारा साउंड आ रहा था, कॉपीराइट इशू आ जाता। सो ऐसी चीज मैं बोल रहा था, और मैंने सोची बाद में बोल दूंगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। सो एवरीवन विसर्जन के बाद मैं आ गया था, विसर्जन 12 बजे तक हुआ था, फिर मैं आके सो गया, और यही था आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाय बाय।